आज मैं आपको ये हमारे जो खाने में है प्याज और लहसुन अदरक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं ग्रो करना बताऊंगी, क्योंकि हम अपने घर में अगर गमले हैं हमारे पास काफ़ी जगह नहीं है तो उसमें हम किस प्रकार से ग्रो करें और उसका समय क्या होगा ये समय भी मैं आपको बताऊंगी। कई जगह पे ये समय है कि आप सितंबर में अगस्त के लास्ट और सितंबर में उगा लें, मगर हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब दिल्ली वाली साइड ये हमारे को अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में नवंबर के 15 नवंबर तक इसकी खेती कर देनी चाहिए, इनको बो देना चाहिए ताकि ये हमारी फसल जनवरी फरवरी तक बहुत अच्छी हार्वेस्ट हो सके। आज अक्टूबर की 29 तारीख है, मेरे बेटी और दामाद का बर्थडे है, मैं उनको इस वीडियो में विश करना चाहती हूँ और वो देखें कि वो काफ़ी दूर रहते हैं तो इसलिए मैं अपनी शुभकामनाएँ उनकी और भेज रही हूँ कि उनकी आयु बहुत लंबी हो और वो बहुत अच्छे अच्छे काम करें घर से दूर रहकर। अब मैं आपको इसकी खेती करना बताऊंगी। वैसे अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में जैसे हम मूली उगाते हैं उस प्रकार से भी आप उगा सकते हैं, मोटी मोटी क्यारियाँ बनाकर उनको उस ऊपर वाली जगह पे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं तो आप इन गमलों में ज़रूर उगा सकते हैं और जो इसकी भूखें होती हैं हरी हरी उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं जब ये उगना शुरू हो जाते हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको जो लहसुन है इसको हार्ड मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसने अपना पूरा बल्ब बनाना होता है, तो इसके लिए इसको सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है जो हमारी बालू रेत जो रिवर सैंड की कहा जाता है जिसको, वो ज़्यादा यूज़ करें। एक वो आप लें 50% के करीब बालू रेत और गार्डन की सॉइल 20% आप काउडंक लें और 10% आप कैल्शियम किसी भी प्रकार से कैल्शियम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो अपनी बनाई हुई है अंडे की, जो अंडे का वेस्ट भाग होता है छिलका उसको पीसकर पाउडर बनाया हुआ है, वो कैल्शियम यूज हमारे प्लांट्स को कैल्शियम की पूर्ति कर देता है। और दूसरा है बनाना पील, बनाना का पाउडर बना ले और बनाना की चाय बना ले या बनाना का पानी बनाकर आप अपने प्लांट्स पे ज़रूर अप्लाई करें। और एक मैं अपने गुलाब के और दूसरे प्लांट्स पे चाय पत्ती जो हमारी वेस्ट हो चुकी है चाय पत्ती उसका यूज़ करती हूँ। वैसे मैं समय समय पर गौमूत्र का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करती हूँ क्योंकि इससे हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र देने की बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारी मिट्टी में उर्वरक शक्ति को ज़्यादा तेज़ करते हैं। अब मैं आपको बीजना बताऊँगी। इसमें मैंने रिवर सैंड और काउडंग और डीकम्पोस्ट की हुई पत्तों की खाद जो कि मेरे गार्डन में बनी हुई है और काउडंग ये चारों का मैंने संभाग की तरह यूज़ किया है और मेरा गमला बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको पानी देकर सोगी किया हुआ, आप पानी पहले दिन पानी आप बहुत अच्छी तरह से दें और अब आप छोटे छोटे इसके खड्डे करने के बाद इसको आप आराम से इस प्रकार से लगा दें ज़्यादा आप, और ये वाला भाग जो इस प्रकार से है आप इसको इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं इसको छीलते हैं तो जो ये वाला भाग है ये वाला भाग उसको आप मिट्टी में नीचे वाली साइड से ग्रो करें और जो इसकी डंडी है उसको आप ऊपर वाली साइड रखें। बस सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये गलती मत कर दें, ये आप भाग ऊपर रखें और ये भाग आप नीचे रखें। इनकी दूरी आप 3.5 सेंटीमीटर से के करीब रखें दूरी, क्योंकि इन्होंने अपना बल्ब बनाना होता है इस प्रकार से जो मैंने आपको दिखाया है वो बल्ब बनाना होता है, तो इसलिए इनको पूरी जगह चाहिए अपने बल्ब के लिए ये इस प्रकार से। और फिर आप
इसकी वाटरिंग कर दें। मैंने ऑलरेडी बहुत वाटर इसमें डाला हुआ था क्योंकि मैंने अपने किचन वेस्ट से इस गमले को तैयार किया हुआ था। अब मैं इसको दिखाऊंगी। वैसे अब आप इसको नवंबर का महीना आ चुका है, आप इसकी बुवाई कर ही दें तो आप देखेंगे आपको टाइम समय से पहले समय पर ही आपको लहसुन खाने को मिल जाएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।